वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी, बायोलॉजी गुरु। आज हम चर्चा करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होता है, गैमेटिक फ्यूजन इसमें नहीं होता है। अब क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसमें आपका हो गया बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मल्टी फिजन की हम बात करें तो ये बाइनरी फिजन तो यूनिसेलुलर में हम देखा ही था, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ठीक है, इनमें सब में होगा। ओके, मल्टी फिजन की बात करें तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं कि इंसिस्टेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंसिस्टेशन एक घटना है, एक फिनोमिना है, उसके बारे में बात करेंगे। सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल में ये यहाँ पे करते हैं स्पोरुलेशन, इसमें भी स्पोर्ट्स बनते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, देन स्पोरुलेशन ये अलग है, इसमें आपका जूस स्पोर्ट्स आपने सुना होगा, दैट इज मोस्ट कॉमन इन एल्गी। ये कैसे होते हैं? मोस्ट कॉमन होते हैं कहाँ पर? एल्गी में। ओके, तो रीजन इसमें कोनिडिया आपने नाम सुने होंगे, पेनिसिलियम या फंजाई में आपने पेनिसिलियम आता है, उसमें कोनिडिया खूब होते हैं। रीजनरेशन, रीजनरेशन का हाइड्रा का आ जाएगा, इस तरीके से रीजनरेशन करते हैं। इसी में एक फ्रेगमेंटेशन भी और ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे? फ्रेगमेंटेशन। तो ये सब चीज़ें अपन देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो गया। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो ये कहाँ होता है? ये होता है हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ये देखिए, आपको दिखा होगा यहाँ पे, ये अमीबा है, इसमें ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस देखिए, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल इट कैरियोकाइनेसिस। ओके, क्या करने जा रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, देन क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ये क्या बन गई? डॉटर सेल्स। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मदर है वो एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती है। ओके, इसी में आगे बडिंग का भी देख लेंगे आप। बडिंग में क्या होता है? ये ईस्ट सेल में देखा गया है, ईस्ट सेल में किसमें देखा गया है? लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो बडिंग इन ईस्ट, इसमें क्या होता है? एक स्मॉल आउटग्रोथ आ जाती है। क्या आ जाती है? एक स्मॉल आउटग्रोथ आ जाती है। और इसमें ये देखिए, इसमें न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, देखिए न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर इसके बाद में ये आपका दोनों अलग अलग हो गई, तो ये कौन सी बन गई? आपका डॉटर सेल। ओके, ये कौन सी सेल है? ये है पेरेंट सेल, इस तरीके से हो गया। तो बाइनरी फ्यूजन हमने कंप्लीट कर लिया है, अमीबा में देखा था किस तरीके से। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मल्टीपल फ्यूजन की, ठीक है। तो जब भी कभी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा में क्या होता है कि ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया? स्यूडोपोडिया। ओके, जिन्हें हम कहते हैं फॉल्स फीट, क्या बोलते हैं इनको? फॉल्स फीट कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये क्या करेंगे? अपनी फॉल्स फीट जो है ना, इनको विड्रॉ कर लेंगे, अंदर की तरफ कर लेंगे, खत्म कर देंगे। तो विड्रॉ द व्हाट? स्यूडोपोडिया। इससे और क्या करते हैं? ये कुछ सीक्रेट करते हैं, यहाँ पर सीक्रेशन कर देंगे। ये आपका सीक्रेट कर दी क्या? थ्री लेयर, कितने लेयर? 1, 2, 3 लेयर, थ्री लेयर थिक सिस्ट बना ली। और सिस्ट का बनना क्या कहलाता है? इंसिस्टेशन। इसी को क्या कहते हैं? इंसिस्टेशन कहते हैं, ठीक है, सिस्ट का बनना इंसिस्टेशन कहलाता है। ये सब कब हो रहा है? जब कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी तो क्या करेंगे? इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे स्पोर्ट्स बना लेगा, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर्ट्स, स्यूडोपोडियो स्पोर्ट्स, या इनको बोलते हैं माइन्यूट अमीबी। क्या बोलते हैं? माइन्यूट अमीबी बोलते हैं। एक है तो अमीबा और कई सारे हैं तो इनको अमीबी बोलते हैं। ओके, सिस्ट क्या होती है? बस्ट हो जाती है और ये आकर के ये सब देखिए यहाँ पे माइन्यूट अमीबी ये सब बाहर आ गए, ये स्पोर्ट जनरेट हो जाएंगे एंड दे डेवलप व्हाट? न्यू इंडिविजुअल। इस तरीके से हो गया। इस प्रोसेस को जो स्पोर्ट्स बन रहे हैं, स्यूडोपोडियो स्पोर्ट्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं स्पोरुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। अमीबा में भी स्पोरुलेशन होता है, लेकिन कब होता है? पहले अनफेवरेबल कंडीशन और फिर बाद में फेवरेबल कंडीशन में होगा। ओके, अब यहाँ पे स्पोरुलेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज जूस स्पोर्ट्स का बनना, दैट इज मोस्ट कॉमन इन एल्गी। कहाँ पे? मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है? एल्गी में। ऑनिडिया कहाँ है? फंजाई में, लाइक पेनिसिलियम में। ओके, इसमें क्या है? दिस इज कॉमन एसेक्सुअल मेथड वेयर फंजाई स्पेशलाइज एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है ये। ओके, अब इसमें कैसे काम करते हैं?
इसमें क्या है कि कोई भी जैसे कि ये है आपका, देखिए ये है आपका जूस स्पोर, ओके, इसके फ्लैजेला गायब हो जाएंगे और ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको बोलेंगे अब जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या बनेंगे, जू स्पोर बनेंगे। ये देखिए इसमें जू स्पोर प्रोटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इसमें कि डिवाइड हो जाता है कितने टाइम, 4 to 8 टाइम, ओके, 4 या 8 और देखते हैं तो हम दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि ईच स्ट्रक्चर दैट फॉर्म व्हाट बाई फ्लैजेलेटेड जू स्पोर्स, क्या बनेंगे, फ्लैजेलेटेड जू स्पोर बन जाएंगे। ये देखिए और ये क्या हो गए, देखिए इस तरह से दिखा देते हैं, ये बनाया हमने और इसमें बन गया फ्लैजेला, ओके। इसके बाद ये बस्ट हो जाती है जू स्पोर इंजन, देखिए बस्ट एंड लीजिंग ऑफ व्हाट जू स्पोर, जू स्पोर लीज हो गए और ये क्या करते हैं, ये देखिए सराउंडिंग मीडियम में, और देन दे ये किसी सबस्टेंस चिपक जाएंगे और नए इंडिविजुअल को बना लेंगे। तो ये कैसे होते हैं, पिरामिड शेप होते हैं, बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं, ओके। नाउ और इनके फ्लैजेला जो है हमेशा एंटीरियर साइड पर लगे रहते हैं, एंटीरियर साइड, ओके। नाउ ये दिखा रहे हैं किस तरीके से, ये हाइड्रा दिखा रहे हैं, हाइड्रा में बडिंग के थ्रू ये बड है, ये टूट जाती है, बन जाती है बड सेम हाइड्रा जो उसको निकले मैडमोनास जेमिलिन स्पंज आईओ पोटैटो। ये पोटैटो जो आई हैं वो एक्चुअली हैं क्या, वो एक्चुअली वर्ड है, कैसे ये वर्ड है, वो एक्चुअली वर्ड है, इनको यहाँ कट कर देंगे ये पार्ट उस तरीके से, तो हर एक पार्ट जो है एक नए प्लांट को बना लेगा, ओके। आइसो पोटैटो ये आपका राइजोम एंड जिंजर, वाटर हाइसेंथ की हम बात करेंगे, ये डायग्राम हम अभी देखेंगे, ओके। इसमें ये बडिंग के लिए ईस्ट में यूनिसेलुलर की बात करें तो ईस्ट के एग्जांपल आ जाएगा, मल्टीसेलुलर की बात करें तो हाइड्रा आ जाएगा, तो इस तरीके से ये। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है, देखो साइटोकाइनेसिस कम दिया है, इसको ज़्यादा है पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल क्या होगी, फिर ये क्या होता है यहाँ पर, ये डॉटर सेल डिटैच्ड हो जाएगी, ये डॉटर सेल होगी, ये कहेंगे पेरेंट सेल। अब क्वेश्चन आता है कि बाइनरी फ्यूजन और बडिंग में क्या डिफरेंस है, तो बाइनरी फ्यूजन में क्या है कि इक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा था कि नहीं, ये देखिए इक्वल डिवीजन हो रहा था साइटोप्लाज्म का और इस तरीके से दो अमीबा बन गए थे, लेकिन बडिंग में ऐसा नहीं था, कैसा था, अनइक्वल डिवीजन था। इसमें आउटग्रोथ होती है, इसमें आउटग्रोथ नहीं होती है, पेरेंट सेल नॉट रिमेनिंग, इसमें पेरेंट सेल रिमेनिंग रहती है, ओके। तो एक डिफरेंस हो गया। एक बात और कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे से, फ्रेगमेंटेशन में क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ओके, इसमें क्या होता है कि ये फिलामेंट है और फिलामेंट क्या होगा, टूट जाएगा, तो ईच फ्रेगमेंटेड पार्ट, ये टूट गए, ईच पार्ट फॉर्म, ईच फ्रेगमेंटेड पार्ट दे फॉर्म व्हाट न्यू इंडिविजुअल, ये नया इंडिविजुअल बना लेंगे, ओके। इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। एक और है रीजनरेशन, कौन सा है, रीजनरेशन भी इसमें आ जाएगा, जनरेशन, ओके। ये आपका देखा गया था प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में भी है, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है, कैसा होता है, ट्रू रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, देखो अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं, ये है प्लेनेरिया, ओके, और इसमें ये देखिए इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ओके, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये भी एक पूरा प्लेनेरिया बना लेगा, डन, ये देखिए, और ये भी अपना पूरा ये पार्ट भी बना लेगा, ओके, ये बना लिया, तो ये बन गए। तो इसमें क्या है कि कितने भी आप इसमें कट लगा दो, हर एक पार्ट जो है नए प्लेनेरिया को बना लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रू रीजनरेशन। जैसे छिपकली की हम बात करें, लिजार्ड की बात करें, तो छिपकली की पूंछ कट जाती है लेकिन वो ट्रू रीजनरेशन नहीं होता है, केवल पूंछ रीजनरेट होती है, ओके, ये आपका हो गया। तो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये आपका क्लेमाइडोमोनास में क्या दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं आपको जू स्पोर्स, ओके, ये क्या दिख रहे हैं, कोनिडिया, ये कोनिडिया दिख रहे हैं आपको, पेनिसिलियम में आपको जैसे दिख रहे हैं तो आपको दिख जाएंगे, पेनिसिलियम फंजाई है उसमें कोनिडिया दिखेंगे आपको, ओके। ये हाइड्रा दिख रहा है, इसमें बर्ड दिख रही है, ये माउथ दिख रहा है, इसमें ये क्या दिख रहा है आपका, स्पंज में, ओके, जेम्यूलिन स्पंज, क्या है ये, जेम्यूलिन स्पंज, ओके। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों डिफरेंस क्या है, जूस स्पोर और कोनिडिया, ओके। इसमें जूस स्पोर्स कैसे होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन मोटाइल, ओके। मोटाइल क्यों है, क्योंकि इसमें फ्लैजिलेटेड है,
ये कैसे हैं, ये है नॉन फ्लैजिलेटेड, इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। ओके, तीसरा क्या है, ये स्पोरेनियम के अंदर बनते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, एंडोजीनस। ये बाहर बन रहा है इसलिए कैसे है, ये एग्जोजीनस। तो ये डिफरेंस हो गया, और इसमें ज़ूस्पोर और कॉनिडिया में, और कॉनिडिया देखिए बेसिपिटल क्रम में लग रहते हैं, किस क्रम में, बेसिपिटल। ओके, बेसिपिटल, बेसिपिटल क्या होता है, सक्सेशन, यहाँ बेस पे छोटा होगा, बेस से निकलते हैं, ये जो बड़े ऊपर जाते जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे, इसको बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन में लगे हुए हैं। ओके, हाँ।